नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब इंटरव्यू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, यानी सिर्फ रेलवे ग्रुप डी। दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेने का या नौकरी पाने का, दोस्तों इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, अपने जहन में भर लीजिए कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको नौकरी लेनी है तो इस वीडियो के माध्यम से आप रेलवे ग्रुप डी में 101% नौकरी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो हम सब वीडियो में इस बात को बताएंगे। चलिए रेलवे ग्रुप डी, यानी स्पेशली ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाई जा रही है। और आगे भी कल सुबह आपको एक वीडियो आएगी, उसमें आपको एग्जाम में कैसे हॉल में आपको नंबर बूस्टअप करने को देख सकते हैं, एग्जाम में अपनी नंबर कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जाना क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब चीज जाननी होगी आपको, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन डाउट होता है सभी बच्चों का, सर सिलेबस कहाँ से पूरा करें। दोस्तों अगर आपने 3 साल में अगर अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो अब फायदा नहीं है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो है रेलवे ने अपना मोड चेंज कर दिया है, जो उसकी प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। यानी अभी एनटीपीसी अभी 17 तारीख को उसका फाइनल हुआ था और उसको अभी आंसर की आने चालू हो गई है, तो रेलवे अभी फिलहाल अच्छी मूड में मुझे दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस जॉब को अपने हाथों से जान मार दे। आर्मी एयरफोर्स नेवी हमारे जो डिफेंस है उसकी कितनी मट्टी खराब करी उन्होंने दोस्तों ने। सर जो पिछले 3 साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे आप उसका परिणाम जान चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए, अगर आपका भी सपना है कि मैं रेलवे ग्रुप डी में 7 साल की नौकरी करना चाहूंगा तो वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए। चलिए वीडियो में कैसा है कि सिलेबस पूरा कहाँ से करें। तो दोस्तों सिलेबस अगर आप अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ से कराएंगे, आपको नंबर कैसे लाने हैं, किन किन पॉइंटों को पढ़ना है आपको, वो बस वो काम करना है आपको, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके भी 30 से 35 नंबर, यानी 30 से 40 35 30 40 नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, आपका जो बचा हुआ तो समय है उसमें भी आप अपने नंबर अच्छे ला सकें। यानी 35 और 40 नंबर आ रहे हैं, आपके भी 70 या 80+ नंबर आए। चलिए कॉमन डाउट क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट कौन सी होती है, उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होती है। कौन सी होती है, नंबर 1 की बात करते हैं मैथ होता है, कौन सा होता है मैथ होता है। उसमें दूसरे नंबर की बात करें रीजनिंग होती है, क्या होती है रीजनिंग होती है। फिर तीसरे की बात कर लें जीके एंड जीएस होती है, यहाँ पे जीके और करंट अफेयर लेते हैं, और साइंस अलग होती है। यहाँ पे चौथा नंबर हो गया साइंस, क्या हो गया साइंस हो गया। दोस्तों अगर आपको मैथ की बात करें तो मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। जीके और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस की स्पीड की बात करें कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से कौन से क्या करें, कि किन किन टॉपिक को पढ़ें, किन किन टॉपिक को हमें समय देना होगा, अभी अभी जो बाकी टाइम है किन किन समय को हमें ज्यादा समय देना होगा, किन किन टॉपिक को ज्यादा समय दें कि आखिर हमारा सिलेक्शन हो जाए। मतलब सारी बात सारी जड़ खत्म कहां, सारी बात का जड़ भरूदा कौन सा है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हम एक टारगेट बैच बना रहे हैं, टारगेट बैच क्यों कौन सा होगा, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको एक बैच बनाया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों जो सीरियस बच्चे हैं वही इस टेलीग्राम को जो ज्वाइन करें, अन्यथा आप उसके लीव कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। अगर दोस्तों आप भी अगर 3 साल से आप टाइम पास कर रहे हो, अगर आपको कुछ जो समय बचा है उसमें भी टाइम पास करने लग गए तो समय आपको कुछ दिन बाद समय खोज आपके पास टाइम पास करेगा। चलिए देखो बात करते हैं मैथ की। मैथ का जो 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में हम आपको जो टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और मैं मान के चलता हूँ आप 18 नंबर ले आओगे, कितने 18 नंबर, ठीक है। दोस्तों अगर आपने 3 साल से रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो मैं मान के चलता हूँ 20 से 22 नंबर आप ला सकते हो, लेकिन बाकी का जो समय है अभी के पास जो समय है मैं मान सकता हूँ उसमें आपको मैं अगर जिस हिसाब से हम बताएंगे उस हिसाब से आप करोगे तो 26 नंबर ला सकते हो। यानी 26 नंबर लाने का मतलब समझे, यानी रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर हो गया। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की, इसमें मैं आपको सबसे कम 10 नंबर लेके सकता हूँ, कितने 10 नंबर। अब साइंस की बात आ गई, तो साइंस के कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं जिसमें वहां से क्वेश्चन फंसता ही रहता है, यानी 15 नंबर में यहाँ मान के चलता हूँ। तो दोस्तों आपके नंबर कितने हो गए, देखो यहाँ से मैं जोड़ू यहाँ पे कितने हो गए 25 नंबर हो गए, कितने हो गए 25, मैं इनको जोड़ू कितने हो गए, यहाँ आपको 51 नंबर हो गए। दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए 26, 10 और 15, और ये कितने 18 हो गए, कितने हो गए 18 नंबर। यानी ये आपको करनी है
ये आपके बन जाएंगे 8, 10, 14, 19 यानी यहाँ बन जाएंगे 69। यानी ये आपको अच्छा खासा, यानी आपने इतने नंबर ले दिए और इसमें 10 नंबर थे 9 लाख जोड़ दिए, या कितने नंबर हो गए, यानी आप 80 के अप्रोक्स में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब से हम बताएंगे आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपका सपना है जो साकार होगा, पूरा पूरा साकार होगा, मैं 100% आश्वासन देता हूँ आपका साकार होगा, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो हम कल आपको एक वीडियो मिलेगी 11 या दोपहर के समथिंग मिलेगी आपको वीडियो, उस वीडियो को देखना ना भूले। चलिए आगे क्या है, कौन सी सब्जेक्ट कितना समय देना है, तो कल सुबह 11 बजे तैयार रहना दोस्तों। मैं आपको फिर बोलूंगा कल सुबह 11 बजे एक धमाका होने वाला है, धमाका कौन सा होने वाला है, वो भी धमाका होगा कि आपका सिलेक्शन हमारी खुशी, कौन सा आपका सिलेक्शन हमारी खुशी, रेलवे ग्रुप में अगर आपको नौकरी लेनी है तो कल सुबह 11 बजे तैयार रहे। आज की वीडियो हम यही समाप्त कर दें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना भूलना। जय हिंद, जय भारत।